हाँ जी, ये फसल बीमा से संबंधित मेरी शिकायत है। 21/8/2023 को पिछली बैठक में ये पेंडिंग रखी गई थी कृषि मंत्री की तरफ से। उन्होंने आदेश दिया था कि किसान को बीमा मिलना चाहिए, चाहे बीमा कंपनी दे या बैंक दे। मैंने बैंक से पता किया तो उन्होंने तो टालमटोल कर दिया। फिर कृषि अधिकारी से पता लगाया, भाई DLMC की मीटिंग में 13/4/2022 को उपायुक्त की अध्यक्षता में फैसला हो चुका है कि ये क्लेम बैंक पे करेगा। बताओ जी बैंक। नमस्कार सर, कर लो माइक ऑन कर लो माइक ऑन कर लो। सर, इनकी जो DLMC में फैसला हुआ था तो हमने बैंक को बोला था, इसमें पंजाब नेशनल बैंक फरीदाबाद डिमेंडा ब्रांच है, तो उन्होंने आगे अपील के लिए कहा था, हमने आगे अपील के लिए भेजा हुआ है, तो बीच में इलेक्शन वगैरह आगे जिस चक्कर में अपील पेंडिंग है, तो उसके लिए वो कार्रवाई चल रही है। इसका मुआवजा बनता है? जी सर, मुआवजा बनता है। तो इसका सर इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर कंपनी भी इन्वॉल्व होती है, इंश्योरेंस कंपनी भी और बैंक भी है, तीन पार्टियां होती है, तो इसमें सारा का सारा इसमें मेरा कहना है इसका मुआवजा बनता है, तो इसका मुआवजा 3 दिन में दिया जाए। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी की गड़बड़ी है इस मामले में, तो मेरा सब कहना है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जी मेरा काम मोचीवाड़ी पड़ता है और बैंक वालों ने बावती किया है, मेरा मोचीवाड़ी गांव मोचीवाड़ी है, बावती से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मुआवजा बनता है तो 3 दिन में इसका सुनिश्चित, या तो मेरा मुआवजा देने मेरी बावती में जमीन बता दे जी, कौन सी जमीन का मेरा इन्होंने बीमा किया है। सर इसमें अधिकारियों की सर गलती तो भैया एक क्लरिकल मिस्टेक ये होगी कि मोचीवाड़ी गांव है सर किसान का, उन्होंने भाव दिन सर गलती से कहा गया उसमें, लेकिन सर थोड़ा गलती उसका ठीक नहीं है। आपके आदेश ये हैं कि अगले एक मिनट ना 3 दिन में सर ऐसा है, ये ब्रांच लेवल पे कोई चीज हैंडल होता तो इसको प्राइवेट बॉडी को लिखेंगे, तो टाइम दे दीजिए मिलेगा। बस शिकायत करता है इस बात से खुद सर? नहीं जी, मैं तो 2018 हो चक्कर काटने ला रही हूँ जी, EPR 11 महीने में बैठक हुई है जी, मेरे कोई भैंस लोगों नहीं होने ला रही रोज की। इसका 15 दिन सुनिश्चित करें, 15 दिन उसका मैं बिकर 15 डेज भाई, आप खुद जाओगे NDM और बैंक मैनेजर 14 डेज तीन लोग बाइक का था छोटे का अप्रूव है, सरकारी गाड़ी लेके जाओ और माजे प्रूफ रहा उसको भी वापस करो विद इन 15 डेज। अब नहीं हुआ उसके बाद फिर मंत्री जी को छोड़ भी, उसके बाद मैं तो अभी कह रहा हूँ, लेकिन मैं 15 दिन और देता हूँ, 15 दिन में मुआवजा नहीं मिला तो उससे जो भी कर्मचारी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।